केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारी मतदान से साफ है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और असम में राजग की वापसी होगी। राजनाथ ने कहा कि बंगाल में पहले चरण के चुनाव में भारी मतदान इसका स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी हर चरण में भारी सफलता पाने जा रही है। यह रुझान बता रहा है कि बंगाल में बीजेपी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। शनिवार को पहले चरण में बंगाल की 30 और असम विधानसभा की 47 सीटों के लिए मतदान हुआ। बंगाल में करीब 80% मतदान हुआ जबकि असम में 77% मतदान दर्ज किया गया। सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की तैयारियों की वजह से लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए आ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मतदाताओं को डराकर रखा था। रक्षा मंत्री ने कहा कि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी के मतदान प्रतिशत और सीटों में वृद्धि होगी। वहीं इस साल पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के चलते पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये कटौती चुनावों की वजह से की है। चुनाव के कारण केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल 17 से 18 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया है। बचत की इस धनराशि से आप क्या क्या करेंगे? आपको बता दें कि इसके पहले राहुल गांधी महंगाई और बड़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर थे। इसके पहले उन्होंने कहा था केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट, गैस डीजल पेट्रोल पर भारी कर की वसूली। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।